अरे तू आ गया? अम्मा वो काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा जल्दी घर चले जाऊं। और वो तेरा दूसरा काम ठीक से चल रहा है ना? अम्मा बस उसी की तैयारी में लगा, जब तक मेरा काम ना पूरा हो जाए बापजी को कुछ मत बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा सुन, तेरे नाम से एक चिट्ठी आई है, मुझे लगा तेरे नए काम के सिलसिले में ही होगी, अब कस्तूर के पास है। मतलब माँ को लेटर के बारे में पता चल गया? वो कस्तूर को आज हाथ में चोट लग गई। कैसे? सब्जी काट रही थी ना, चाकू से हाथ कुछ गहरा ही कट गया। तू चिंता मत कर, मैंने पट्टी कर दी है, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ। तुमने पूरी बात क्यों नहीं बताई? हाथ कटने के बारे में कौन बताएगा? बात तो लेटर की थी ना। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, हाथ कैसे कट गया? वो माँ लेटर पढ़ने जा रही थी तो उनका ध्यान हटाने के लिए मैंने जानबूझ के हाथ काट दिया। पागल हो क्या? इससे अच्छा माँ को पढ़ने देती लेट। तो तुम भी ना मेरे लिए। हम दोनों अलग नहीं है। सही कहा, हम दोनों अलग नहीं, हमारी तकलीफें भी अलग। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। लाना तो सोने के चाहता था लेकिन। पापा सोने का हो या चांदी, आपका दिया हर तोहफा अनमोल है मेरे लिए। ये अनमोल तो तब बनेंगे जब तुम इन्हें पहनोगे। तो कोई बात नहीं, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना तब पहनूंगी। तुम मेरा कसूर, कितनी तकलीफें उठाती तुम मेरे। पर उस तकलीफ से मुझे कितनी खुशी मिलती है वो देखी। तुम्हें सबसे बड़ी खुशी तो मैं तब दूंगा जब अपनी असली डिग्री लाके तुम्हारे हाथ पे दूंगा।